या और थोड़ा काम करना है, थोड़े जना है, क्योंकि अल्लाह ही हम 10 काम पूछे तो 10 एक साथ में नहीं मिलता, एक दो मिल सकता है। हम तो आदमी हैं, केसीआर साहब तो हम तो आदमी हैं, फिर भी हम 10 में एक 7-8 काम निकाले, 2-3 बच गए होंगे, जरूर आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दुआ से पूरा का पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। हमारे को बीच में थोड़ा तकलीफ आया, 2 साल की कोरोना के बाद आई, पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार हमारे को बहुत तंग कर रही है। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, आपको खजाना चलाने का जिम्मेदारी मेरे पास रहता है, 1 लाख करोड़ का नुकसान करे बीजेपी सरकार, हमारे बहुत तंग कर रही है। FRBM ने एकदम काटने से 30,000 करोड़ रुपया हमारा रुक गया, 28,000 करोड़ ये बिजली का बोर्डिंग पे मीटर नहीं लगाए बोल के 28,000 करोड़ रोक दिए। फाइनेंस कमीशन से जो हमारा को पैसे मिलना था 5,300 करोड़ रुपया वो रोक दिए हैं। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फंड मिलना है पिछले 4 साल से वो पैसे नहीं दे रहे, इससे थोड़ा हमारे को भी तकलीफ हो रहा स्कीम्स चलाने में, हमारा काम नया स्कीम चलाने में थोड़े काम करने में। एक केंद्र की सरकार जो राज्य को पैसे मिलना था, जो हक बिल के पैसे मिलना था, कोई कुछ ना कुछ उंगली लगा के वो लोग पैसे नहीं दे रहे, फिर भी हम तो टफ है, वो लोगों को क्या है, सता के हमारा को कंट्रोल में लेना चाहते, लेकिन CM साहब आप कुछ भी करो हम जाने के लिए तैयार नहीं है। साहब ने ये बताया एक दिन खाना कम खाएंगे, एक काम कम कर लेंगे, लेकिन आपको सर झुकने का सवाल ही नहीं है बोल के CM साहब ने बताया। तो हम आगे ऐसे ही काम करेंगे भैया। आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब हमारे लिए दुआ करिए, तीसरी बार हुकूमत आने के लिए आप पूरा तारीफ करिए। आप बीजेपी का कांग्रेस का आप देखते हैं भैया, जितने लोग आज कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में आए, विवेक साहब कल तक बीजेपी थे आज कांग्रेस में, रात में आ गए सुबह टिकट मिल गया, राजगोपाल रेड्डी एक दिन पहले बीजेपी सुबह कांग्रेस में टिकट मिल गया, विकाराबाद चंद्रशेखर साहब जहीराबाद में कल तक बीजेपी आज कांग्रेस में टिकट मिल गया, फिर कल ये लोग किधर गए थे, क्या भरोसा है फिर ये बीजेपी में नहीं जा सकते क्या? रेवंत रेड्डी खुद बताते कि मैं RSS वाला हूँ, मैं RSS से पैदा हूँ, वो RSS से ABBP में गए, ABBP से TRS में आया, TRS से तेलुगुदेशम में गया, तेलुगुदेशम से कांग्रेस में गया, फिर कल कहा गया था कि किसको क्यों किसका जिम्मेदारी है, वो अभी तक 4-5 पार्टी बदल गया उन्हें, ये भी आप सोच रहे। वो आदिलाबाद में जो टिकट मिला कांग्रेस कैंडिडेट, उन्हें ये बताया मैं तो RSS वाला हूँ, मैं मर गया तो मेरे ऊपर RSS का झंडा डाल के मुझे कफन करना, ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में टिकट देता है? आप लोग सोचिए, ऐसे वो लोग उतना सेक्युलर है, ये तो देखना था ना, देखने की बात है ना। सो ऐसे सिस्टम है, अब बहुत सारे लोग आज ऐसा हो रहा है। वो बाय इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, 3 बाय इलेक्शन हुआ, दुबाक में, मुनगोड में, हुजूराबाद में, 3 जगह कांग्रेस का डिपॉजिट चले गया। उतना वीक है क्या कांग्रेस पर, क्यों गया डिपॉजिट? हुजूराबाद में डिपॉजिट गया, मुनगोड में डिपॉजिट गया, दुबाक में डिपॉजिट गया, इससे क्या अंदाजा बनता है अपने को? दोनों मिली हमारे को हराने के लिए कांग्रेस पूरा बीजेपी का ताबीन करे, इस वास्ते कांग्रेस का 3 जगह डिपॉजिट गया है। कैसा जाता डिपॉजिट नहीं तो, डिपॉजिट तो मिलना है कम से कम, 3 जगह जाता, 1 जगह बोल तो ठीक है, कोई कैंडिडेट वीक है समझ सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तेलंगाना में आप चेक कर लीजिए, निर्मल में कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट दिया, वहां आज बीजेपी और BRS का टकरा चल रहा। मुधोल में कांग्रेस वीक कैंडिडेट दिया, मुधोल में BRS और बीजेपी का टकरा चल रहा हूँ। आप ऐसे चेक कर लीजिए थोड़ा जगह, ऐसे 6-7 जगह दोनों अंडरस्टैंडिंग में बीजेपी को जहां स्ट्रांग है वो कांग्रेस का डमी कैंडिडेट बन गया, वहां आज बीजेपी BRS का लड़ाई चले। 10 जगह ऐसा है, आप गोशा महल का देखो किसको दिए कांग्रेस पार्टी, वो तो कंप्लीट डमी कैंडिडेट, आज वहां फाइट गोशा महल में राजा सिंह को हराने के लिए पूरा ताकत लगा के BRS ने लग रहा है वहां पर, कांग्रेस के अगर डमी कैंडिडेट को नहीं दिया, आप चेक करिए।
उनको डिपॉजिट भी नहीं।